नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीता अग्रवाल, वेलकम टू माय चैनल एनर्जीज वन। आज हम लारिमार क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। लारिमार क्रिस्टल को पैक्टोलाइट और डॉल्फिन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रिस्टल इजीली अवेलेबल होने के बावजूद एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल स्टोन है। यह एक स्पिरिचुअल स्टोन है जो नए डायमेंशंस को खोलता है, एक गहरे मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। यह क्रिस्टल प्यार, लव और शांति को प्रमोट करता है। ये हमारे कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, बॉडी और सोल को हार्मोनाइज करता है और नए वाइब्रेशन पर ले जाता है। ये क्रिस्टल हमें एंजल्स से कांटेक्ट करने में मदद करता है। लारिमार क्रिस्टल उनके लिए भी लाभदायक है जो सोल में ढूंढ रहे हैं, पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म रिलेशनशिप्स को भी हील करता है। लारिमार हमें गिल्ट और डर से बाहर निकलने में मदद करता है। ये क्लैरिटी लाता है, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स और एक्सट्रीम इमोशनल केसेस में लारिमार बहुत हेल्प करता है। ये किसी भी तरह के ट्रॉमा को दिल तक ठीक करता है और हमें एक बच्चे की तरह खुश रहना सिखाता है, क्योंकि लारिमार का कनेक्शन धरती से है और ये पृथ्वी को हील करता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये औरतों को अपने इननेट फेमिनिटी से कनेक्ट करता है और उनको नेचर से कनेक्ट करता है। धरती पर रखने से लारिमार अर्थ एनर्जीज को बैलेंस करता है और जियोपैथिक स्ट्रेस को भी खत्म करता है। लारिमार क्रिस्टल के कुछ और उपयोग, ये कार्टिलेज और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। यह हमारे चेस्ट, हेड और गर्दन के एनर्जी ब्लॉक्स को डिसॉल्व करता है, ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोलता है। पेन की जगह पर रखने से यह दर्द को दूर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। नॉलेजेबल लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपको ये परचेज करना हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम हर सैटरडे को एक नए क्रिस्टल का ऑफर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, सैटरडे को हमारे वीडियोस को जरूर जरूर से देखिएगा ताकि आप उस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। जो ऑफर में हम क्रिस्टल्स निकालेंगे वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहेगा, वो आगे आपको लाइफ टाइम में नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल एनर्जीज वन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।